हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कस्टम रूम क्रिएट प्रॉब्लम के बारे में। अगर अपने फ्री फायर गेम में जाते हो और कस्टम रूम क्रिएट करना चाह रहे हो और उसी टाइम में इरर और रूम फुल ऐसा अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपके साथ भी, तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सारा डिटेल बताया हो कैसे आपको कस्टम रूम जो कि क्रिएट किया जाता है और रूम फुल ऐसा प्रॉब्लम के से कैसे बच सकते हो बहुत ही आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुरु यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पूरा ही फर्स्ट से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा फ्री फायर गेम, मैंने ओपन कर लिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो फ्री फायर गेम से आपको क्लासिक जो ऑप्शन है इसमें आना है, उसके बाद आपको कस्टम रूम में आना है। तो इधर में जो कि क्रिएट वाला जो ऑप्शन है, आप मेरे पास देख सकते हो एक कस्टम कार्ड है, तो सिंपली मैंने क्रिएट वाला ऑप्शन में दबा देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली जो आपको करना है वो आप कीजिए। इधर में देख सकते हो, इधर में मैं जैसे हमने इधर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद एच पी 5 और लिमिट अमाउंट 9 और इसके बाद जो है फुल नेम इज नो, हाँ। तो इसके बाद हम इधर में नीचे कंफर्म में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली और एक बार कंफर्म में क्लिक, तो आप इधर में देख सकते हो तो कि इरर रूम फुल एकदम प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो रहा है तो देखिए ऐसे में केस में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए सबसे पहले एक तो प्रॉब्लम होता है कि नेट स्पीड, अगर आपके पास नेट स्पीड कम है इसकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो नेट स्पीड तो थोड़ा सा आपको बढ़ाने के लिए आपको सिंपली आपको एरोप्लेन मोड को एक बार ऑन कीजिए, उसके बाद इसको ऑफ कर दीजिए। इसके बाद सिंपली आप इसमें बैक आ जाइए। आप थोड़ा सा ट्रैम के बाद आप देखना आपके नेट स्पीड पहले से भी थोड़ा हाई हो जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा एकदम, ठीक है। तो ये थोड़ा स्विच ऑफ करके ऑन करना जैसा होता है ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए। इसके बाद सिंपली मैंने फिर से दोबारा क्रिएट ऑप्शन में जाता हूँ और इसके बाद मैंने इधर में गेम में जाता हूँ, इसके में जो भी मैंने सिलेक्ट किया था जैसे 500 और इसके बाद जो कि एच पी 50 और लिमिटेड इमो और इसके बाद फुल नेम्स नो, इसके बाद सिंपली कॉन्फर्म में क्लिक, देखिए तब भी इधर में क्रिएट फुल दिखा रहा है। तो सर ऐसा प्रॉब्लम फिर भी हो रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको कस्टम रूम में जो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल आपको कॉन्फर्म में क्लिक कीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। मतलब कुछ भी आपको एडिट पिटिक नहीं करना है। अगर आपको क्लासिक मोड है इसको सिर्फ अगर आपने क्लासिक करना चाहते हो या स्क्वाड करना चाहते हो ये आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपको बाद में एडिट नहीं होता है, ठीक है। तो नाम और पासवर्ड ये सब आप बाद में भी दे सकते हो या ये सब जो कि आप बाद में भी चेंज भी कर सकते हो। तो आप जैसे है वैसे आप सिंपली कॉन्फर्म में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए तब भी जो कि इधर पे इरर प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए ऐसा प्रॉब्लम इसलिए आता है कि आपके जो सर्वर है फ्री फायर के जो सर्वर होता है, सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, इसके वजह से ऐसा होता है। लेकिन आज जो कि हम इधर में पूरा ही इसका सोल्यूशन हम निकल के छोड़ेंगे। तो देखिए हम इधर में पूरा कस्टम रूम क्रिएट करके छोड़ेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको क्रिएट वाला ऑप्शन में दबा देना है, उसके बाद और एक बार दबा देना है, उसके बाद और एक बार दबा देना है। तो ऐसे करते करते आपको दबाते जाना है, ठीक है। तो कुछ टाइम के अंदर आप देखेंगे कि आपको जो कि इधर में रूम क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, सिंपली क्रिएट में क्लिक कर देना। इसके बाद आपको इधर में आपको पासवर्ड को नहीं, इधर में जो रूम नेम है रूम नेम को थोड़ा चेंज करके भी देखिए, ठीक है। रूम नेम को चेंज कर दीजिए फटाफट। इधर में कोई भी एक नाम दे देता हूँ, इसके बाद ओके में क्लिक, इधर में कॉन्फर्म में क्लिक। तो ऐसा करके आप बराबर आप देखिए आप हो जाएगा, कुछ टाइम के अंदर हो जाएगा देखना, ठीक है। तो आप देखिए इधर में थोड़ा नाम मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा लंबा खासा नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो रूम क्रिएट प्रॉब्लम का आपको जो कि सॉल्यूशन हो जाएगा बहुत ही आसानी से, थोड़ा लंबा खासा नाम दे देता हूँ। तो यही जो है जो कि नाम मैंने दे दिया, इसके बाद कॉन्फर्म में क्लिक। तो ऐसे करते करते आपको थोड़ा देर आपको दबा देना है, और अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप थोड़ा 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद भी आप ट्राई कर सकते हो। आप देखना आपके जो रूम क्रिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो थोड़ा इधर में लोडिंग होता है, आप इधर में सिंपली कॉन्फर्म में क्लिक करते जाइए, आपके रूम को जो कि क्रिएट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ऐसा मतलब चांस होता है, और देखिए क्या होता है, आप और एक चीज़ है, आप जब भी आप रूम क्रिएट करना आप थोड़ा शाम के टाइम पे मत करना, क्योंकि शाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा लोड होता है, ठीक है। अभी तो ऐसा लोड हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बाद में ये प्रॉब्लम सोल्यूशन भी हो जा सकता है, ठीक है। तो आपको जब भी रूम क्रिएट करना है ना, आप सुबह के टाइम पे या सुबह 12 बजे के पहले दोपहर में मत कीजिए और शाम के टाइम में मत कीजिए। तो इसी टाइम में बहुत ही ज़्यादा सर्वर डाउन चलता है अभी फ्री फायर में, तो हो जाएगा आपको जो क्रिएट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जैसे ही इधर में तो मैं रूम नेम चेंज करने के बाद भी अगर नहीं होता तो पासवर्ड को चेंज कर दीजिए। देखिए इधर में मैंने पासवर्ड को दे रहा हूँ और पासवर्ड भी अगर ठीक से नहीं आ रहा तो पासवर्ड को भी चेंज करके दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएट हो जाएगा, आराम से क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए इधर में 1 2 जो कि पासवर्ड मैं इधर में दे रहा हूँ चेंज करते करते, और थोड़ा पासवर्ड को पूरा फुल्ली कर दीजिए, उसके बाद कॉन्फर्म में क्लिक कीजिए। इधर में देख रहा है कि टेक्स्ट रूम टू टीम कोड ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो पासवर्ड पूरा फुल्ली कर दीजिए, उसके बाद आप छोटा सा पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है। तो ये होता है ट्रिक, ठीक है। और जैसे आपने कॉन्फर्म में क्लिक कर देते हो तो आप इधर में देख सकते हो पूरा ही आपके जो कस्टम रूम बन चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी से इधर में आपने कस्टम रूम अगर प्रॉब्लम ऐसा फुल्ली प्रॉब्लम दिखाता है तो फ्रेंड कुछ स्टेप से बहुत ही आसानी से आपने जब भी टाइम मिला, अगर किसी भी टाइम में अगर आप ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप कुछ स्टेप से बहुत ही आसानी से आपने कस्टम रूम क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद आप सेटिंग ऑप्शन में जाके आपने जो कस्टम रूम जो कि सेटिंग है आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। अगर आपने पासवर्ड को नहीं रखना चाहते हो तो मत रखिए, उसके बाद सिंपली नीचे कॉन्फर्म में क्लिक करते हैं आपके जो कस्टम रूम आपके हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। तो फिर उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आएंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर अपने चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइए। दोस्तों आज के लिए इतने, फिर से एक नया वीडियो के साथ हाजिर होने तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।